तमिलनाडु के कुडंकुलम परमाणु संयंत्र में दो अन्य ढैया स्थापित करने को लेकर रूस के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर अभी भी संदेह बरकरार है। हालांकि पीएम मोदी 15 दिन बाद रूस का दौरा करेंगे, लेकिन इस दौरान समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। मोदी 1 जून को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त रूस के दौरे पर मोदी वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, साथ ही समझौतों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के विषय निवेश, रक्षा और परमाणु सहयोग हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत और रूस कुडंकुलम परमाणु संयंत्र की 5वीं व 6वीं इकाइयों को लेकर जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जीएफए को अंतिम रूप देने पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि दौरे पर दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच पिछले साल दिसंबर को ही जीएफए पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन दोनों देशों की ओर से क्रेडिट प्रोटोकॉल पर सहमति न बनने के चलते मामला अदर में है। गौरतलब है कि जीएफए के तहत रूस के सहयोग से कुडंकुलम परमाणु संयंत्र में प्रत्येक 1000 मेगावाट की 5वीं व 6वीं इकाइयों का निर्माण होना है।